अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड बढ़िया सी रेसिपी। ये रिजम जमे इसमें से डुबाते हैं और थोड़ा ज्यादा चाय। हाँ हमारे बच्चे खाते हैं बिस्कुट। हाँ बस है कि ये लोग लिपस्टिक लगी है लिपस्टिक मुजम्मिल की छुट्टियाँ लगी ना कल से। मुजम्मिल को बस जगते रहते, मुजम्मिल को रखना नहीं। टीजर लेंगे अपनी चाय और मैं लूँगी अपनी कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं और अख्तर बाजी ना इधर उधर की बातें लाते हैं। अख्तर बाजी मैं भी कुछ कुछ बातें रहती है मेरी, तो हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और जो है ना, मैं नाश्ते में सांभर वड़ा बना रही हूँ। तो सांभर वड़े की दाल जो है ना, अगर आपने रात में पीस के रखे और सुबह अगर बनाना तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। मम्मी थोड़ा सा ले लो ना पिज्जा। आराम से खाओ तुम लोग, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बना लिया है। क्यों बनाना था जब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज ही बनाते थे। अब मम्मी भी दिल पे पत्थर रख रहे हैं, अगर खाओ तुम लोग खाते देखूं ना मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। है ना। तो फ्रेंड आज ना थोड़ा सा मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा पेट में दर्द दर्द था और बच्चों का सुबह से मन था पिज्जा खाने का, है ना। हाँ। तो मुजम्मिल और रिजा को मैंने बोली कि अगर मैं नहीं खा सकती तुम दोनों खाओ, आराम से खाओ। तो आज पूरा फुल पिज्जा मुजम्मिल ने बनाया है ना, सिर्फ पनीर को जो है ना मसाला वसाला लगा के रिजा ने दिए और पूरा पिज्जा आज रीजा ने नहीं मुजम्मिल ने बना है ना। हाँ। तो तुम लोग खाओ, मुझे अच्छा लगेगा देखते हुए। ठीक है, मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ और बना लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज पढ़ा और उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ी। और जो है ना, रिजा मुजम्मिल भी बाकायदा रोज़ कुरान शरीफ पढ़ते हैं। बच्चों को मैंने बोली हूँ कि बिल्कुल भी नागा नहीं होना चाहिए, तो बराबर माशाल्लाह रिजा भी पढ़ते हैं, मुजम्मिल भी बड़े अच्छे से पढ़ते हैं रोज़। और इसके साथ साथ ना मेरे काम भी शुरू है, तो मैंने आज जो रेसिपी बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ घूम रहे थे इतनी गर्मी में? तो शाम में दिखा रहे गर्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मीठा ज्यादा हो गया था ना। बस 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 बस। फ्रेंड्स, मैंगो का शरबत बनाई है मैंने, रेसिपी ली हूँ जल्दी में। मैंगो का शरबत है। अच्छा, मैं कुछ मीठा ही अच्छा लगता है। चलो आ जाओ रिजा, अब तक भी देखो आप देखो कितना चाहिए। खाती 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 थोड़ा थोड़ा ही दो, उनको नहीं खाना है अगर तो थोड़ा सा दो। ये अच्छा खट्टा मीठा है बेटा, अच्छा लग रहा है। तुम लोग ना बस 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 अपना खाओ, आपको शरबत चाहिए। अरे ले लो ना, मैं थोड़ा सा हमारी पिया थी शरबत, अच्छा लगता है आम का। अच्छा स्कूल की तारीख से खुलने वाली शाम बच्चों, एक तारीख उसका नाम लिखाई थी छोटी का, अगले साल से लाएंगे। 3 साल में ले लेना एडमिशन बच्चों का। हाँ, 3.5 साल में 2.5 साल में ढाई साल में नर्सरी में, 3.5 साल में KG1 में। तो बच्चे ऐसे आना चाहिए मतलब स्कूल के हिसाब से। कौन से डॉक्टर
छोटी वाली टाका देखिए बड़ी वाली है, फोन रख दो यही अम्मी छोड़ दे फोन चाहिए आपसे रहे के रुक रहे अरिशा। तो फ्रेंड्स आज जो है ना सबसे पहले तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, कुछ कुछ काम जो है ना बहुत थका देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज हम बना रहे हैं वेनिला आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम बनाएंगे हम। और वेनिला आइसक्रीम ऐसा आइसक्रीम है जिससे आप ढेर सारे डेजर्ट बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, कई सारी स्वीट डिश बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सैंडविच वगैरह बना सकते हैं स्वीट वाले। तो इंशाल्लाह मैं इसके साथ आपको सैंडविच भी अच्छा सा बताऊंगी। और अभी हम बना रहे हैं वेनिला आइसक्रीम का बेस, बट ये वाला जो बेस है इस बेस से आप कई आइसक्रीम मैंने कि हर आइसक्रीम बना सकते हैं, आइसक्रीम में अच्छे से थिकनेस और रिचनेस देने के लिए ये बेस काम में आता है हर आइसक्रीम में, है ना। इसके पहले भी मैंने बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ। अभी 300 ml मैंने क्रीम लिया था, 300 ml क्रीम का आइसक्रीम बना रहे हैं। तो 300 ml क्रीम के लिए मैंने लिया है 1/4 कप दूध, है ना, ये 1/4 कप दूध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना 300 ml क्रीम का आइसक्रीम बन रहा है, उसमें बेस कितना लगेगा, 1/4 कप दूध डाला मैंने, है ना। 1 teaspoon लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, 2 teaspoon लिया है मैंने दूध पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये, 2 teaspoon से थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, ये ले लिया दूध पाउडर कॉर्नफ्लोर निकाल देती हूँ। और यहाँ पे लिया है 1 teaspoon भर के शुगर, है ना। अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध कच्चा लिया है, पका हुआ नहीं लिया है, तुरंत का दूध ले, फ्रेश ले मिल्क और फौरन बनाए, है ना। कभी कभी दूध लेकर हम रखते हैं और गर्म ना करें तो फट जाता है, तो वैसा नहीं करना है। दूध जब ले जब भी इसका बेस बना ले, है ना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले, फिर पकाते हैं इसे। फ्रेंड्स अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, एक भी गुठलियाँ नहीं बनना चाहिए, ये जो जो हमने दूध लिया ना अच्छा सा थिक सा हो गया है ना। और अगर से गुठलियाँ बन रही है, गुठलियाँ नहीं निकल रही है, तो बीटर की मदद से हल्का सा इसे बीट कर सकते हैं ना। अब करना क्या है, गैस को मैंने ऑन किया है, मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है, और रखने के बाद कंटिन्यू स्पून को हिलाना है। स्पून को इसलिए हिलाना है कि जो कॉर्नफ्लोर डाले हमने वो नीचे चिपक ना जाए और जो बेस हम बना रहे हैं वो खराब ना हो, इसलिए इस जो बैटर को, इस जो लिक्विड को, मिल्क वाले लिक्विड को जो है ना, ये बेस को अच्छे से स्पून की मदद से हिलाते रहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बेस बनाया है ना कितना थिक है, ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मिल्क मेट रहता है ना, इतना थिक है, देखिए स्पून से जो है ना पानी जैसा नहीं बह रहा है, थिकनेस देख सकते हैं आप इस तरह से चटका गर्म। तो बस ये देखिए हल्के से इसमें बुलबुले आ गए हैं और ये अच्छा सा थिक सा पक गया है। गैस को कर देना है बंद और इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो बेस बनाया था हमने रूम टेम्परेचर पे, मैंने इसे ठंडा किया और अच्छे से ये ठंडा हो गया है। फ्रिज में इसलिए नहीं रखना है इसे, फ्रिज में क्या हो जाएगा, कॉर्नफ्लोर है ना इसमें, तो थिक सा डल्ला बन जाएगा, तो वो क्या होता है फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता है क्रीम में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीट किया हुआ क्रीम ले लिया है। क्रीम बीट करने का आपको तरीका मैंने इसके पहले भी बताया है। कौन है? कोई नहीं है। तो मैंने ये 300 ग्राम क्रीम लिया था, ठीक है, उसके बाद जो है इसे बीट कर लिया है, जिस तरह से हम केक के लिए करते हैं आप देख सकते हैं, इतना थिक होना चाहिए ये क्रीम। अब क्या करना है, इस बेस को इसमें डाल देना है। बेस जो है 1/4 कप बन के तैयार हुआ है, तो ये बेस मैंने इसमें डाल दिया है। बेस डालने के बाद क्या करना है, ये लिया है मैंने मिल्क मेड कंडेंस मिल्क, ये डाल देना है 2 टेबलस्पून, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून इस तरह से। और अब क्या डाल देना है इसमें, वेनिला एसेंस, है ना, अच्छा वाला वेनिला एसेंस यूज करना है, तो वेनिला एसेंस डाल देंगे हम इसमें 1/2 teaspoon। तो मैंने ये वेनिला एसेंस भी इसमें ले लिया है। अगर वो कांच की छोटी वाली बॉटल आती ना छोटी सी, तो वो कांच की छोटी वाली बॉटल का ना अच्छे से स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो आप लोग जो है ना अच्छी कंपनी का ही यूज करें। तो सब कुछ डालने के बाद एक बार इसे बीटर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ना अच्छे से इसे बीटर की मदद से मिक्स कर लिया है, स्पून की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये बढ़िया सा जो है ना वेनिला आइसक्रीम बनके तैयार हो गया। जब अच्छे से इसे जम जाएंगे ना, ये 8 घंटे में जमता है अच्छे से, फ्रिज अगर अच्छा है 6 घंटे में भी जम जाता है, तो वैसे तो 8 घंटे में जम जाएगा फिर देखेंगे। हाँ, तरह का बॉक्स लिया है मैंने, आपके पास अगर एल्यूमिनियम का है या जो भी एयर टाइट कंटेनर है उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये बॉक्स में इस तरह से इसे डाल दिया है, डालने के बाद जो है ना बॉक्स का ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब अच्छे से जम जाइए तो उसके बाद मैं कंटिन्यू रेसिपी बताऊंगी। आइसक्रीम मुजम्मिल ने आइसक्रीम रखने के बाद कितने बार फ्रिज खोले थे? 2 बार। अच्छा
आइसक्रीम पे जब डब्बा चेक करी ना तो मुझे उसमें सबूत मिला बहुत बड़ा स्पूट। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि वेनिला आइसक्रीम किस तरह से इसमें सेट हो गया है ना। और ये मुजम्मिल ने जो है ना चेक कर लिए थे, अच्छा है बढ़िया। तो आइसक्रीम अच्छा सा थिक सा ये देखिए आप जम गया है ना, तो इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम निकालने का जो स्पून है ना वो आज तक नहीं मिला किधर गया, तो ठीक है बट मैं गोल वाले से निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा सा तो फ्रेंड्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये वाइट पे वाइट है ना इसलिए दिख नहीं रहा अच्छे से, तो आप देख सकते हैं देखिए इस तरह से जो है ना बिल्कुल सेम जैसे बाजार में मिलती है आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही बनी है। और टेस्ट मैंने किया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और तीन गोले रखोगे इस पे? मुजम्मिल ने पहले ही बोल दिया बिल्कुल जैसे बोले शेफ लोग निकालते हैं जैसा टीवी में बताता है बिल्कुल वैसे ही निकालना। तो फ्रेंड्स देखिए बढ़िया सा है ना, मेरे पास वो स्कूप नहीं है ना निकालने का तो थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आई बट बहुत अच्छा सा वेनिला आइसक्रीम बना है, बहुत थिक सा है। तो देखिए इस तरह से जो है ना एकदम लाइट वेट बहुत स्मूथ है, खाने में बहुत टेस्टी है, फ्रेश बहुत है, घर का बनाया हुआ है ना। तो मैं आपको बताऊंगी वेनिला आइसक्रीम से किस तरह से हम बहुत सारे डेजर्ट बना सकते हैं और स्वीट डिश बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं ना। तो मैं बहुत सारे तो नहीं बनाऊंगी बट कुछ तीन चार बनाऊंगी जो बच्चों को बहुत पसंद है, जो हमेशा मैं बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगी, कोई भी तामझाम नहीं है और साथ ही सिंपल सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैंने लिया है आइसक्रीम, आपको जिस तरीके से जो भी प्याले में जो भी बर्तन में लेना है आप ले सकते हैं। और ये 10 रुपए वाला हर्षीज का पाउच है ना, ये मुजम्मिल भाई की सलाती है ना। पहले मेरे पास मालास का होता था, हर्षीज का सिरप नहीं था मेरे पास पहले, तो ये चॉकलेट सिरप मैंने इस पर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, किटकैट मंच या कौन सी चॉकलेट खाते तुम लोग, वो एक और डेरी मिल्क है या जो भी आपको चॉकलेट पसंद है आप इस पे डेकोरेट कर सकते हैं ना। तो ये हमारे रिजा बाजी को चॉकलेट वाले आइटम बहुत पसंद है, अभी वो कॉलेज से आने के है। अच्छा लग रहा है। तो ये पहला डिश है ना, तो ये चॉकलेट आइसक्रीम भी बन गया, चॉकलेट डेजर्ट भी बन गया, या आप जो नाम देना चाहते हैं वो आपसे दे सकते हैं। तो ये चॉकलेट वाला बन गया है। अब मैं आपको ड्राई फ्रूट वाला बताऊंगी, मैंगो वाला बताऊंगी और एक देखते हैं जो भी आम वाला बता दूंगी, आम है। तो फ्रेंड्स मुझे मिल गोका है ड्राई फ्रूट के है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाऊंगी बढ़िया सर ड्राई फ्रूट डेजर्ट है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये कंडेंस मिल्क, यानी कि मिल्क में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है मीठा है ना। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने काजू बादाम, यहाँ पर डाल दिया काजू और पिस्ता है ना। तो ये ड्राई फ्रूट डेजर्ट हो गया हमारा आइसक्रीम के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे एक मैंगो वाला और एक बनाएंगे फ्रूट्स वाला। तो मैंगो के लिए मैं सिंपल सा आम जो होता है ना, बस आम डाला, शुगर डाला और इस तरह से पल्प बना लिया है मैंगो का है ना। अब बस करना कुछ नहीं है आपको, अगर ज़्यादा मैंगो पसंद है तो आप ज़्यादा मैंगो भी ले सकते हैं। तो मैंने तो बस थोड़ा सा आम डाला इसमें एक्स्ट्रा डेकोरेट के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं फ्रूट डेजर्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला मिल्क मेड, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क मेड को क्या बोलते हैं मतलब स्किप कर सकते हैं ना। तो यहाँ डाल दिया मैंने ढेर सारा मैंगो, मैंगो की जगह आपका जो भी फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया चेरी, यहाँ पर डाल दिया कीवी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वेनिला आइसक्रीम से किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के शेक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें एक स्पून आइसक्रीम और डाल दिया एक छोटा कप मिल्क है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डाल दिया आइसक्रीम, मिल्क डाल दिया, थोड़ा सा शुगर ऐड किया है और ये जो हर्षीज का सिरप मैंने मैंगो का भी बनाना प्लीज। नहीं मैं मैंगो का नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा। अच्छा तो मैं मुजम्मिल के लिए थोड़ा सा बना दूंगी। और ये चॉकलेट सिरप इसमें मैंने डाल दिया है, डालने के बाद क्या करना है मिक्सी जार को लगा देना है और चला लेना है बस एक मरतबा। मुजम्मिल भाई रिजा बाजी के लिए बन गया है चॉकलेट शेक है ना। आप चाहे तो इसमें मैंगो पल्प डाल के, मैंगो सिरप स्ट्रॉबेरी पल्प डाल के स्ट्रॉबेरी सिरप का बना सकते हैं। तो बस मैंने भी ऐसे सिंपल तरीके से बनाया है।
एक पैकेट मंगाई थी। ठीक है हटाओ फोटो ले दो। अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो ओरियो डाल के भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है ना चॉकलेट सिरप नहीं है तो ओरियो बिस्किट भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने बहुत ही कम बजट में वेनिला आइसक्रीम बनाया और वेनिला आइसक्रीम से डिफरेंट टाइप के डेजर्ट बनाए। आपको जिस टाइप से भी बनाना है, आपको जो भी फ्रूट पसंद है, जो भी पल्प पसंद है, आप बना सकते हैं। शेक भी आप अलग अलग से बना सकते हैं इसमें अलग अलग फ्रूट डाल के, तो बहुत बढ़िया से घर में सबको पसंद आए। आप भी बनाइए, खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। खुदा हाफिज़।